नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले 5 दिनों से एलएसी और समुद्र की छाती पर जो हलचल बढ़ी है, उसने दुनिया के साथ चीन के कान भी खड़े कर दिए हैं। 3 जुलाई के पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर है कि पीएम मोदी का यह दौरा अमरीका की तरफ से हुई बातचीत के बाद ही तय किया गया। जिस दिन पीएम मोदी ले में उतर रहे थे, ठीक उससे कुछ घंटों पहले अमेरिका के 2 विमानवाहक जहाज दक्षिणी चीन सागर में पहुंच चुके थे। यानी इन जहाजों के आने से अमेरिकी नेवी के कुल 5 जहाज चीन की छाती पर आ चुके हैं। इन 5 जहाज पर अमेरिका के लगभग 250 से 300 अत्याधुनिक फाइटर जेट मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही चीन की नेवी को समुद्र में डुबो सकते हैं। इधर भारत ने मलक्का में चीन की घेराबंदी करने के लिए इंडियन नेवी को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया है, जबकि थल सेना और वायुसेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन में अपने टारगेट चिन्हित कर लिए हैं। सूत्रों की माने तो अब भारत चीन के बीच बातचीत केवल औपचारिकता भर रह गई है। पिछले 40 दिनों से चल रही बातचीत बेनतीजा रही है। चीन वापस लौटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय सेना पर जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वह अप्रैल 2020 वाली स्थिति स्थापित करने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करे, जिसके लिए सेना कभी भी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। खबर यह भी है कि सेना चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक न करके किसी अन्य तरीके से प्रहार करने की रणनीति बना रही है। यानी इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है कि अब भारत चीन की बातचीत की चालबाजियों से इतर अपने स्तर पर कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। एलएसी पर हालात तनावपूर्ण तो पहले ही थे, मगर 5 दिनों के भीतर यह तनाव बेहद हाई हो गया है। मिराज जैगुआर और अपाचे की एलएसी पर उड़ाने इस तनाव की गर्माहट को साबित करती है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात किसी बड़े होने का साफ संकेत है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और किसी भी बड़े एक्शन से पहले उन्हें ब्रीफ करना, उनकी राय लेना आवश्यक होता है। खास बात यह है कि 16 जून से चल रही चीन भारत की टेंशन के बीच पीएम ने राष्ट्रपति को तमाम घटनाक्रम और परिस्थितियों से अवगत कराया है। इस मुलाकात में एलएसी के हालातों की जानकारी पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने अगले कदम से राष्ट्रपति को अवगत करा दिया है। यानी चीन ने जंग की पटकथा का जो प्रश्न लिखा है, अब उस प्रश्न को भारत अपने तरीके से रीड कर चुका है। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की मौजूदगी अकस्मात नहीं है, बल्कि सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से है। अमेरिका इतने बड़े लाभ लश्कर के साथ सागर के इस हिस्से पर पहली बार आया है। यहां हालात वियतनाम, फिलीपींस या इंडोनेशिया के ज्यादा विरुद्ध भी नहीं है। असली अखाड़ा तो भारत चीन के बीच बना हुआ है। यानी अमेरिका की तमाम गतिविधियां भारत चीन के संघर्ष के मद्देनजर हो रही है। अब अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्च करके यहां पहुंचा है, तो वह शांति गान गाकर लौटने के लिए नहीं आया है। अमेरिका का बड़ा मकसद अपने 1.25 लाख लोगों को श्रद्धांजलि देना है, जो चीन के वायरस के ग्रास बन गए हैं। भारत अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है, इसलिए भारत चीन के बीच संघर्ष छिड़ता है तो अमेरिका इसी समझौते के तहत भारत की मदद को उतर सकता है। यानी दक्षिणी चीन सागर से अमेरिका अब चीन की चिता तैयार करके ही वापस लौटेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने खुलकर भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। यूरोप के देशों में मौजूद उसके सैनिकों में से ज्यादातर दक्षिणी चीन सागर और जापान में पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि पिछले 5 दिनों में अमेरिका ने अपने 18,000 सैनिक चाइना की घेराबंदी के लिए उतारे हैं। सूत्रों की माने तो भारत मलक्का और एलएसी पर चीन की कमर तोड़ेगा, जबकि अमेरिका दक्षिणी चीन सागर से चीनी नेवी को उसी के तड़बे में घेरने की रणनीति पर काम करेगा। यानी चीन पर एक साथ 2 मोर्चों से एक्शन होने की चर्चा है। अगर इसी बीच पाकिस्तान चीन के बचाव में उतरता है या वह अपनी जमीन का इस्तेमाल पीएलए को मुहैया कराता है, तो उस पर भी बड़े एक्शन की रणनीति तैयार की गई है। इसका मतलब यह है कि चीन पर कार्रवाई करने से पहले उन तमाम विकल्पों को आपातकालीन स्थिति के लिए अमलीजामा पहना दिया गया है, जो इस संघर्ष में भारत के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। जंग तय है, जंग का मैदान और वजह भी निश्चित है। जंग के पुरोधा भी तैयार हैं, अस्त्र शस्त्रों को धार भी दी जा चुकी है। ऐसे में इस जंग को रोकना अब लगभग मुश्किल है। खासतौर से भारत चाइना के बीच बातचीत की तारतम्यता भी छिन भिन हो चुकी है। दैनिक वार्ता अब साप्ताहिक वार्ता में बदल गई है, जो कहीं ना कहीं किसी बड़ी अनहोनी के संकेत है। यह अनहोनी अब चीन के लिए बहुत भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत का जनक भी चाइना है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।